राज्य सरकार की ओर से आमजन को महंगाई से राहत देने तथा प्रशासनिक कार्यों में पट्टों के लिए महंगाई राहत शिविर प्रशासन शहरों के संघ तथा प्रशासन गांवों के संघ अभियान शिविरों का आयोजन कर रही है। 24 अप्रैल से शुरू हुए उक्त शिविर आगामी 30 जून तक जारी रहेंगे। शिविरों में राज्य सरकार की ओर से आमजन को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए पंजीयन किया जा रहा है तथा प्रशासन शहरों तथा गाँवों के संघ शिविर में आमजन की आम समस्याओं के साथ साथ आवासीय भूमि के पट्टे दिए जा रहे हैं। ब्यावर शहर में नगर परिषद सभागार, रोडवेज, बस स्टैंड, एसडीएम कार्यालय, कृषि उपज मंडी कार्यालय, फतेहपुरिया दोयम स्कूल, छावनी स्थित फायर ऑफिस, रेलवे स्टेशन स्थित बिदामी देवी बुरड़ धर्मशाला तथा तहसील परिसर में स्थायी महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह ने शहरी क्षेत्र के महंगाई राहत शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सिंह ने शिविर की व्यवस्था तथा पंजीयन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उपस्थित शिविर में उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देशित किया कि शिविर में पंजीयन के लिए आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण करवाने वाले व्यक्ति से सद्व्यवहार करते हुए उसका सहयोग किया। एसडीएम ने कहा कि अगर आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी तथा असहयोग संबंधी जानकारी उन्हें मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सिंह ने शिविर में मौजूद लोगों से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान लोगों की परेशानियों तथा समस्याओं से रूबरू होते हुए उन समस्याओं का समाधान शीघ्र करने का विश्वास लाया। शिविर निरीक्षण के दौरान एसडीएम सिंह ने आमजन को बताया कि शहर में 8 स्थानों पर स्थायी महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसी भी वार्ड का कोई भी व्यक्ति सुबह 8 से शाम 6 बजे तक राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में अपना पंजीयन करवा सकता है। उन्होंने बताया कि शिविर आगामी 2 माह तक चलेंगे। अति आमजन से आग्रह है कि अनावश्यक परेशान नहीं हुए तथा आराम से अपने वार्ड में अथवा स्थायी शिविरों में दस्तावेज के साथ पहुंचकर अपना पंजीयन करवावे। राजस्थान सरकार की महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक चलाए जा रहे हैं। इसके तहत ब्यावर शहर में महंगाई राहत कैंप के जो स्थायी कैंप हैं, जो परमानेंट कैंप रहेंगे, जो काउंटर जहां पे लोग मंडे से लेकर सैटरडे तक आके अपनी जो 12 स्कीमें हैं उनका लाभ ले सकते हैं, वो विभिन्न जगहों पे हैं। जैसे कि एक एसडीएम कोर्ट परिसर में, एक तहसील में, एक बस स्टैंड पे, एक रेलवे स्टेशन पे, एक आपके फतेहपुरिया दोयम स्कूल, एक नगर परिषद कैंपस, ऐसे करते करते 8 आपकी टोटल हो गई। और एक कृषि मंडी में है। ये सूची मैं नगर परिषद को बोल के एक ऑफिशियल प्रेस नोट से सभी प्रेस भाइयों को दिलवा भी दूंगा। इन 8 स्थानों पे इंसान 8 से लेके शाम 6 बजे तक कभी भी आ सकता है। मेजर डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे जन आधार कार्ड, बिजली का जो आपका बिल है के नंबर के साथ, आपका गैस का रजिस्ट्रेशन बुकलेट और अन्य कोई आईडी कार्ड अगर कोई जरूरत, और आपका राशन कार्ड उसके लिए राशन के साथ ये लेके आए। और मान लो अगर आपको लगता भी है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो ये स्थायी कैंप कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पे ही हैं। आप अपने घर पे आराम से दोबारा लेके आ सकते हैं। यहाँ पे सभी स्टाफ ट्रेंड है, कोई सब आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई कोई स्टाफ को नहीं भी पता है और अगर आपको जानना है तो सभी हम ऑफिसर्स को ये जानकारी दी गई है, अथवा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, महंगाई राहत कैंप की वेबसाइट पे सारी सूचनाएँ बिल्कुल उपलब्ध हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको जो स्कीम का लाभ चाहिए आप उसके संबंधित 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, रजिस्टर कराइए और मात्र 10 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो स्लिप है एक गारंटी कार्ड पे चिपका के आपको दी जाएगी, वो प्रमाण रहेगा कि आपको लाभ मिल गया है। और लाभ मिलने की तिथि से सबको सेम डेट से ही लाभ मिलेगा। आप आज आओ या कल आओ या 30 जून को ही आओ, भले लाभ आपको एक ही दिन से मिलेगा। पूरे राज्य में जितने भी निवासी हैं सबको लाभ एक ही दिन से मिलेगा, तो इसमें कोई पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं है या प्रशासन द्वारा छाए की कमी है, पानी नहीं है या कहीं से हमसे कोई ऐसी दिक्कत का सामना हो रहा है हमारी वजह से, तो प्लीज़ एक बार आप SDM, नगर परिषद आयुक्त, तहसीलदार, BDO, जो भी बड़े अधिकारी हैं, आप उनको एक बार अवगत कराएं। और ये हमारा आश्वासन है।